नमस्कार, मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं मेरा चैनल फिल्मी फंडे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, बात करें अगर आज की फिल्म रिव्यू की, तो आज मैं फिल्म रिव्यू करने वाला हूँ एक्सट्रैक्शन, जिसका कि मतलब होता है बाहर निकालने की प्रक्रिया। इस फिल्म को आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स के ऊपर में। फिल्म की जो लेंथ है वो 2 घंटे की है। फिल्म को डायरेक्ट किया है सैम हारग्रेव ने, जिन्होंने कि स्टंट दिया है एवेंजर्स और इन्फिनिटी वॉर जैसे बेहतरीन फिल्मों के अंदर में। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि इस फिल्म के अंदर में किस तरीके के स्टंट्स आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। बात करें मेन कास्ट की, तो इस फिल्म के अंदर है क्रिस हेम्सवर्थ, जिनको हर कोई जानता है, स्पेशली थॉर की वजह से तो हर कोई जानता है। और इस फिल्म के अंदर हमारे इंडियन एक्टर्स भी हैं, पंकज त्रिपाठी और रणदीप हुड्डा जी। फिल्म की कहानी एक बहुत ही सिंपल है और कहीं से भी आपको उसमें ब्रेन स्टॉर्मिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। दो अंडरवर्ल्ड डॉन है, एक है इंडिया का अंडरवर्ल्ड डॉन और एक है बांग्लादेश का अंडरवर्ल्ड डॉन। होता क्या है, दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स होती है उनकी वजह से जो बांग्लादेश का अंडरवर्ल्ड डॉन होता है वो इंडियन अंडरवर्ल्ड डॉन के बच्चे को किडनैप कर लेता है, जिसका इंडियन अंडरवर्ल्ड डॉन के जो किरदार निभाए वो पंकज त्रिपाठी जी ने निभाया है। और फिल्म उसी के ऊपर आधारित है कि जब वो बच्चा किडनैप हो जाता है तो उसको किस तरीके से वहां से निकालते हैं, उसी के ऊपर ही पूरी फिल्म बनाई गई है। तो बात करें इस फिल्म के पॉजिटिव पॉइंट्स की, तो इस फिल्म का सबसे पॉजिटिव पॉइंट है इसका एक्शन। बेहतरीन एक्शन सीक्वेंसेस आपको इस फिल्म में देखने के लिए मिलेंगे, जिसको देख के आप ताली बजाने पे मजबूर हो जाएंगे। और कहीं ना कहीं चाहता था मैं कि ये फिल्म मुझे थिएटर या कहीं और देखने के लिए मल्टीप्लेक्स में मिले, सो दैट कि मैं इसको और एंजॉय कर पाता, बट समहाउ इसे टीवी पे हमें देखना पड़ा। बट फिर भी ये फिल्म मुझे कहीं भी बोर नहीं की। इस फिल्म के जो सबसे बेहतरीन काम है वो ये है कि जो इसके कॉम्बैट सिक्वेंसेज हैं वो बहुत अमेजिंग है। जो इसके एक सूट के अंदर में जो उन्होंने पूरा फिल्माया है एक्शन सीक्वेंस को, जैसे बांग्लादेश की छोटी छोटी गलियां दिखाई हैं उसके अंदर में जो एक्शन सीक्वेंस को शॉट करा है वो माइंड ब्लोइंग है, उसको देख के आप बिल्कुल चौंक जाएंगे। इसके अलावा मैं बात करूँ अगर परफॉर्मेंसेज की, तो क्रिस हेम्सवर्थ को हम लोग हमें पता ही है कि वो किस तरीके की परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं। लेकिन इस फिल्म में जो स्टार बन के वो रहेंगे वो मेरे हिसाब से रणदीप हुड्डा जी हैं, जिन्होंने अमेजिंग परफॉर्मेंस दी है इस फिल्म के अंदर में। उन्होंने कहीं ना कहीं टक्कर दी है क्रिस हेम्सवर्थ को यहाँ पे, और जिस तरीके की उन्होंने फाइट सिक्वेंसेज करे हैं, जिस तरीके की एक्टिंग करी है वो बहुत ही अमेजिंग है। शायद हमारी इंडियन इंडस्ट्री, बॉलीवुड की इंडस्ट्री उनको उतना काम नहीं दे पाई, बट मुझे उम्मीद है कि इस फिल्म के बाद से उनके लिए काफी दरवाजे और भी खुलने वाले हैं। दोस्तों, अपार्ट फ्रॉम दैट, एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ कि जो दर्शकों को एक्शन फिल्में पसंद नहीं आती हैं वो शायद इस फिल्म से डिसअपॉइंट होंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि इस फिल्म के अंदर में कहानी बहुत ज्यादा है नहीं और सिर्फ एक्शन ही एक्शन आपको देखने के लिए मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इस फिल्म की एक और छोटी सी वीकनेस है, वो ये है कि इस फिल्म में कैरेक्टर डेवलपमेंट कोई बहुत ही बेहतरीन नहीं है। आपको पता है कि ये कैरेक्टर्स हैं वो पूरे फिल्म में आपको वही दिखते हैं, ना उसमें कोई डेवलपमेंट है, ना उनकी कोई एक स्टोरी चल रही होती है, ना कोई बैक स्टोरी भी किसी तरीके की किसी की दिखाई नहीं गई है। इमोशनल कनेक्शन जो होता है कैरेक्टर्स के बीच में वो भी मिस इस फिल्म के अंदर में आपको देखने के लिए रहता है। तो इस वजह से ये फिल्म कहीं ना कहीं मुझे थोड़ी सी कमजोर लगी। बट जो फाइनल वर्डिक्ट मेरा यही रहेगा कि अगर आप मेरी तरह एक एक्शन फिल्म के लवर हैं तो ये फिल्म आपको कहीं से मिस नहीं करनी चाहिए। आप बहुत ही इंजॉय करने वाले इस फिल्म को और कहीं भी बोर नहीं होने वाले हो। बात करते हैं रेटिंग की, तो इस फिल्म को मैं रेटिंग दूंगा 3.5 आउट ऑफ 5। और मैं रिकमेंड करूंगा आप सभी को कि ये फिल्म जरूर देखें लॉकडाउन के अंदर में, और मुझे बताएं कि फिल्म आपको कैसी लगी। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको कोई और फिल्मों की रिव्यू चाहिए दोस्तों, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बिल्कुल बताएं। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिव्यू देम एज वेल। और कोई सजेशन हो तो प्लीज वो भी मुझे बताएं। थैंक्स, जय हिंद।